हेलो बच्चों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ किमिया एकेडमी पे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन, उसे समझने के लिए आपको आपने लड़ाइयां देखी होंगी। पुराने टाइम में युद्ध होते थे, दो राजाओं की सेनाएं आपस में लड़ती थी। कोई केमिकल रिएक्शन भी उन लड़ाइयों की जैसी ही होती है। जैसे दो सेनाएं एक दूसरे से टकराती हैं, वैसे ही जब आप दो रिएक्टेंट को मिलाते हो तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, राइट? टकराते हैं तो उनसे जो पुराने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी रिएक्टेंट्स, नए हम प्रोडक्ट को कहेंगे, जो पुराने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं, यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, राइट? और वो पुराने बॉन्ड टूटकर वो रिएक्टेंट कुछ नए बॉन्ड बनाते हैं। नए बॉन्ड बनने पर हमें नई चीज मिलती है, नया कुछ कंपाउंड मिलता है, नया सब्सटेंस मिलता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, जैसे सपोज आपने H2+Cl2, राइट, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, इससे बना HCl। तो आप देख रहे हैं, पहले जो बॉन्ड था वो HH और ClCl के बीच था, जो नया बॉन्ड बन रहा है वो H और Cl के बीच बन रहा है। ओके, इसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब ये रिएक्शन हुई होगी तो वहां H2 और Cl2 आपस में टकराए होंगे, राइट? उनके टकराने से पुराने बॉन्ड टूटे होंगे और नए बॉन्ड बने होंगे। ओके, राइट। सो कोई भी रिएक्शन हो, वो रिएक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराव है, कोलिजन है, राइट? जैसे आप इसको ऐसे समझें, जैसे मेरे पास सपोज ये दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और जो इससे आवाज आएगी, जो ये ताली की आवाज है, ये प्रोडक्ट है। ओके, राइट। तो अब एक बात बताइए, क्या आपको प्रोडक्ट मिला? नहीं, प्रोडक्ट नहीं मिला, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में टकराए ही नहीं। ओके, तो जब आप कोई रिएक्शन करते हैं, इनसे आपको प्रोडक्ट मिलता है उस रिएक्शन से, राइट? जो वो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। याद रखना बच्चों, अगर मॉलिक्यूल टकराएंगे नहीं, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो उनसे कोई नई चीज नहीं मिलेगी, राइट बच्चों? राइट। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। जो हमने अभी बात कही दो सेनाओं वाली, मॉलिक्यूल्स के टकराने वाली, इन बातों का मॉलिक्यूलरिटी से क्या ताल्लुक है, राइट? समझ रहे हैं हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी हमने बात की, हमें उन बातों को मॉलिक्यूलरिटी से रिलेट करना है। देखिए, जब हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, भाई इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दो है, तीन है, चार है, तो हम ये कह रहे हैं कि इतने मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकराए और उनसे हमें प्रोडक्ट मिला है। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, मान लो अगर कोई ये कहे कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दो है, तो वो ये कहना चाहता है कि एक साथ दो मॉलिक्यूल टकराए होंगे, उनसे ये मिला है आपको, ये प्रोडक्ट मिला है। तो किसी रिएक्शन में एक साथ कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं ताकि वो अपने आप को प्रोडक्ट में बदल सके, कितने, वो कितने उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। आई रिपीट, मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। इसका मतलब मैं एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा इसे, क्या कि किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स की संख्या है, अमाउंट है, नंबर है, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस आपस में टकराए, एक साथ टकराकर अपने आप को प्रोडक्ट में बदल लिया, राइट? जितने मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में टकरा रहे हैं, राइट, वो अमाउंट, वो नंबर उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। ओके, अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इसकी डेफिनेशन को पहले लिखें। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस दैट मस्ट कोलाइड कोलाइड विद वन अनदर
विद वन अनदर साइमल्टेनियसली. बच्चों अगर ये वर्ड यूज नहीं हुआ तो पूरी डेफिनेशन का कोई वैल्यू नहीं. साइमल्टेनियसली टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयन दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट. एक साथ कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं ताकि अपने आप को प्रोडक्ट में बदल सकें, राइट right? वो कितने ही उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होगी. ओके, इस डेफिनेशन को बच्चों नोट कीजिए, थोड़ा सा फोकस कर देते हैं ताकि राइटिंग पे नजर मत लगाना बच्चों मेरी. मैं नहीं चाहता मेरी राइटिंग इससे ज्यादा अच्छी हो. Number of molecules, atoms or ions that must collide with one another simultaneously to convert itself into product. I'm sorry, मैं नहीं चाहता मेरी राइटिंग इससे भी गंदी हो, तो मेहरबानी करके नजर ना लगाएं और इसे लिखें बच्चों. ओके, अब आगे बात सुनिए. देखिए बच्चों, क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम मोलिकुलरिटी देखते हैं तो मोलिकुलरिटी बहुत हाई नहीं होती. मतलब मोलिकुलरिटी दो मिल जाती है, किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तीन है, बट ऐसा बहुत कम होता है कि मोलिकुलरिटी चार हो, पांच हो, छह. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाई मोलिकुलरिटी का मतलब यह है कि वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक दूसरे से टकराकर अपने आप को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, जो कि या जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. जैसे अगर किसी रिएक्शन में, जैसे मैं इसको हटा रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है और उसकी मॉलिक्युलरिटी 6 है, R कन्वर्ट होके P में बदल रहा है और कोई ये कहता है इसकी मॉलिक्युलरिटी 6 है, इसका मतलब 6R हमारे पास आए, एक दूसरे से टकराए और अपने आप को उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया. अब एक बात बताइए, जनरली रिएक्शन या तो गैसियस स्टेट में होती है या लिक्विड स्टेट में, जहां पे मॉलिक्यूल्स एटम्स या आयंस हमेशा मोशन में रहते हैं, घूमते रहते हैं, वहां उन घूमते हुए मॉलिक्यूल्स एटम्स या आयंस को एक साथ बिठाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जैसे आपने दो को पकड़ा, फिर दो को पकड़ा, फिर दो को पकड़ा और कहा अब छह हो गए, अब एक दूसरे से टकराओ, हमें प्रोडक्ट चाहिए, राइट right? ओके okay, आपने ऐसा कहा उनसे, बट आपने कहा, अब वो आपका कहना नहीं मान रहे, दो को पकड़ के लाते हो, एक जगह बिठाते हो, जाते हो दो को और लेके आने के लिए जाते हो, तब तक ये दो कहीं और चले जाते हैं क्योंकि वो तो मोशन में है. तो हाई मॉलिक्युलरिटी का मतलब है हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. ओके राइट ओके, तो जनरली हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें मॉलिक्युलरिटी 2, 3, 4 भी आपको शायद ही कहीं मिलेगी और मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगी. ओके अच्छा, जैसे अब कोई कह दे R से P में बदलना है और इसकी मॉलिक्युलरिटी 6 है, तो हम कहेंगे भाई ये रिएक्शन नहीं होगी कभी, राइट right? कभी नहीं होगी, इसके होने की संभावना, इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि 6R एक साथ कभी आएंगे नहीं, दो आ गए, दो कहीं और है, दो को लेके आते हो तो दो कहीं और चले जाते हैं, राइट right? वो 6R कभी आएंगे नहीं और कभी आएंगे नहीं तो P हमें मिलेगा नहीं, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं बहुत कम है. या ये कहेंगे कि मान लिया इसकी मॉलिक्युलरिटी 6 है, राइट right? बट ये रिएक्शन इसका मतलब किताबों में ही है, इसका मतलब किसी व्हाइट बोर्ड पर ही है, बट इन रियलिटी इस रिएक्शन के होने की संभावना बहुत कम है, राइट right? तो हाई मॉलिक्युलरिटी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. ओके बच्चों देखिए नेक्स्ट चलते हैं. आपके पास एक रिएक्शन है और ये कहा जाता है कि आप इसकी मॉलिक्युलरिटी बताइए, आई एम सॉरी आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बताइए, तो आप सबसे पहले ये कहेंगे बच्चों कि किसी रिएक्शन को देखकर हम उसकी मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते. मतलब अगर कोई रिएक्शन आपको दिखा दी गई कि भाई ये रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो आप ये कहेंगे कि उस रिएक्शन को देखकर हम मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते, राइट right? तो सामने वाला पूछेगा तो आपको क्या चाहिए,
तो आप उनसे कहेंगे कि पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें बताइए। ओके, अगर हमारे पास मैकेनिज्म है तो ही हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बता पाएंगे, राइट। अब यहां पे एक और सवाल पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का क्या मतलब है, राइट। किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, पहले ये देखिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखिए बच्चों, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ और नहीं बल्कि उसके प्रोडक्ट के बनने की स्टेप बाय स्टेप कहानी है। मतलब किसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ही उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। ओके, तो किसी रिएक्शन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएं, मतलब जो ये रिएक्शन आपको ऐसे दिख रही है, एक्चुअली में ये ऐसे नहीं होती, राइट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलते टाइम उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं। ओके, हर रिएक्शन में नहीं, हम आगे बात करेंगे किन रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनते। ओके, फिलहाल इस रिएक्शन में कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, कुछ बीच में बनेगा, ये जो ये आप देख रहे हो। ओके, और तब इसका प्रोडक्ट देखोगे तो आप ये पाओगे कि इनके अलावा कुछ और भी इस रिएक्शन के बीच में कहीं बना था। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का कुछ और नहीं बल्कि उस रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन दो स्टेप में पूरी होती है बच्चों। पहले स्टेप में NO2 और F2 एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करके ये बनाते हैं NO2F प्लस F, NO2F प्लस F। ये F हाईली रिएक्टिव है, F रेडिकल बना। सेकेंड स्टेप में ये F जो यहां पे बना था, ये दूसरे NO2 के पास पहुंच जाता है। ये दूसरा NO2 कहां से आया, ये दूसरा NO2 कहां से आया, पहला तो ये है, दूसरा कहां से आया। तो आप ये नहीं कहेंगे सर वहां दो NO2 थे तो दो NO2 यहां आए, नहीं। आप ये कहेंगे सर वहां रिएक्शन होते टाइम बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो कोई वहां एक NO2 नहीं था, वहां लाखों करोड़ों NO2 थे, वहां लाखों करोड़ों F2 थे जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो ये NO2 उन्हीं लाखों करोड़ों में से कोई है। एक तो यहां गया, बहुत सारे वहां घूम रहे थे, ये F रेडिकल किसी दूसरे NO2 से जाके टकराया, उससे हमें ये मिला है। ओके, तो बच्चों मैंने आपको मैकेनिज्म भी दे दिया, अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताइए क्या होगी। ओके, मैकेनिज्म के बाद बच्चों, मैकेनिज्म जैसा कि आपको पता है स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन की। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन में ये पूछोगे कि उन स्टेप्स में से स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए पहले मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म के बाद, मैकेनिज्म का मतलब अलग अलग स्टेप्स, उन स्टेप्स में से ये पूछोगे, ये देखोगे कि कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है। ओके, जैसे यहां पे ये स्टेप स्लो है, ये स्टेप स्लो है और ये फास्ट है। मुझे कैसे पता, मुझे ये लैब से ही पता लगा है, ये प्रैक्टिकली निकाला गया है। हां, कभी कभी हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो होता है कौन सा फास्ट। जैसे अगर मुझे यहां ये नहीं बताया होता तो मैं कैसे अंदाजा लगाता कि ये स्लो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। अगर आप देखें यहां पे एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। अनस्टेबल प्रोडक्ट का मतलब, अनस्टेबिलिटी तो कोई चाहता नहीं है, इसका मतलब यहां पे ये रिएक्शन इस स्टेप का प्रोडक्ट बनने में ज्यादा टाइम लगा होगा बजाय इसके, क्योंकि यहां तो F आया, ये फास्ट वाला F है बच्चों, ये फास्ट है, F स्टैंड्स फॉर फास्ट है, राइट, ये स्लो स्टेप है। ओके, देखिए तो यहां पे तो F आया और F NO2 से मिलकर एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, ये स्टेबल है। F रेडिकल अनस्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेचारे का। ओके, तो यहां पे ये फास्ट होगा क्योंकि यहां पे एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट जल्दी से चाहेंगे कि वो अपने आप को एक स्टेबल प्रोडक्ट में बदल ले।
ओके okay, तो मैं अंदाजा लगा सकता था कि ये स्लो स्टेप होगा क्योंकि यहां अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है और यहां एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, बट ये बात 100% सही हो ऐसा नहीं है। 100% श्योरिटी के लिए तो हमें लैब में ही जाना पड़ेगा, बट 12th लेवल पे आपको लैब में नहीं जाना, जो प्रॉब्लम सामने वाला आपको देगा चाहे वो मेंस की बात करें चाहे एडवांस की, तो वो आपको बताएगा कि वहां कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा फास्ट, और चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं राइट, वो आपको बताएगा कि जो मैकेनिज्म गिवन है उसमें कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा फास्ट स्टेप है। ओके चलिए बच्चों, अब फिर दोबारा से हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई थी और आपसे पूछा था कि ये बताइए इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो आपने पहले कहा कि मैं रिएक्शन को देखकर उसकी मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकता, मुझे इसका मैकेनिज्म दिखाइए राइट। फिर आपको मैकेनिज्म दे दिया गया, अब आपने कहा इस मैकेनिज्म्स में जो स्टेप्स आपने दिखाए हैं उन स्टेप्स में स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है वो बताइए, आपको स्लो स्टेप बता दिया गया कि ये स्लो है ये फास्ट है। ओके राइट, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है और ये आपको नोट डाउन भी करनी है कि किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। चलो हम थोड़ी देर में इसकी बात कर लेंगे, फिलहाल हम ये कहते हैं कि जो स्लो स्टेप है उसमें जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है। अगर आप देखो इस स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट देख रहे हो, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक NO2 और एक F2, इसका मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। आई रिपीट बच्चो, एक रिएक्शन दी उसका मैकेनिज्म देखा, उस मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप था वो देखा, और स्लोवेस्ट स्टेप को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है। इस स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। ओके आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस लाइन का क्या मतलब है ये देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कोई रिएक्शन कितने भी स्टेप में क्यों ना पूरी हो रही हो, उन सारे स्टेप्स में से जो स्टेप सबसे धीरे धीरे चल रहा है वो ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितनी देर में बनेगा। मतलब यहां पे अभी आपने इस रिएक्शन में दो स्टेप देखे राइट, एक स्लो स्टेप था और एक फास्ट स्टेप था। ओके तो बच्चों अगर ये स्लो स्टेप थोड़ा सा फास्ट हो जाए, हाँ इससे तो धीरे ही है, ओके इससे तो धीरे ही है, अगर ये स्लो स्टेप थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो पूरी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, अगर ये थोड़ा सा और स्लो हो जाए तो पूरी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ओके ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा। ओके आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आपके पास एक आप एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में चले गए राइट, वहां अलग अलग प्लांट्स में साइकिल के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं राइट। उस साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में मान लो 10 फ्रेम तैयार हो जाते हैं एक दिन में, ओके 100 पैडल तैयार हो जाते हैं, 1000 चेन तैयार हो जाती है, 1200 हैंडल तैयार हो जाते हैं, फ्रेम 10 तैयार होते हैं, तो बताइए उस फैक्ट्री में एक दिन में कितनी साइकिल्स तैयार होंगी। जितने हैंडल बनते हैं उतनी साइकिल्स, जितने पैडल बनते हैं उतनी साइकिल्स, या जितने फ्रेम बनते हैं उतनी साइकिल, जितने फ्रेम बनते हैं राइट, क्योंकि फ्रेम 10 है। अब हैंडल आपने कितने भी बना के रख दिए बट फ्रेम ही नहीं है तो हैंडल को लगाओगे कहां। ओके अच्छा अगर उस एक दिन ऐसा हुआ कि वहां फ्रेम 12 बन गए 10 के बजाय, ओके स्लोवेस्ट अभी भी वही है, फ्रेम ही सबसे कम बन रहे हैं, बट पिछले दिन से आज कुछ ज्यादा फ्रेम बन गए तो आज ज्यादा साइकिल तैयार होंगी। ओके अगर हैंडल जो 1200-1300 जितने बन रहे थे अगर 10 और फालतू भी बन गए तो क्या फर्क पड़ता है राइट। इसका मतलब फ्रेम बनना एक स्लोवेस्ट स्टेप था, फ्रेम बनना फ्रेम कितने बन रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि साइकिल्स कितनी तैयार हो रही हैं राइट। उसी तरीके से बच्चों अगर ये फास्ट स्टेप और फास्ट हो जाता है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
फास्ट अगर स्लो हो गया, स्लो तो हो गया बट इससे अभी भी फास्ट ही है राइट, पर ये फास्ट है, थोड़ा सा धीरे चलने लगा थोड़ी देर पहले जिस स्पीड से चल रहा था, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन पे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल उस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा। सो स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, इसके साथ साथ बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शंस विच कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप। ओके, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाए, जिसमें जो रिएक्शन है वही मैकेनिज्म है, those kind of reaction are known as elementary reaction। दूसरी होती है complex reaction, जो अभी अभी हमने देखी थी, जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, स्टेप्स में कंप्लीट हो, उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी जो हमने देखी, जैसे हमने 2NO2 plus F2 लिया था, तो ये 2NO2F ये बना था, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, एक और बात याद रखो बच्चों, हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का के जो स्टेप होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो अपने आप में एलिमेंट्री है। मतलब अगर मैं ये दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, ये दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, बट इन स्टेप्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ये NO2F और F रेडिकल ये तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गए ना, तो हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स होते हैं वो अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप होते हैं या एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। ओके, सो एलिमेंट्री रिएक्शन वो जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, राइट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें देखना होता है कि कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है, फिर हम ये बताते हैं कि उस स्लोवेस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक छोटी सी बात और करते हैं बच्चों, ये एक रिएक्शन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इसका रेट लॉ बताइए, रेट क्या होगा इसका। तो सबसे पहले रेट लॉ का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए रेट लॉ क्या होता है, जैसे हम ये लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी इसकी इसका ऑर्डर है वो हम लिखते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को हम रेट लॉ के नाम से जानते हैं। ओके, वो इक्वेशन जो हमें ये कह सकते हैं कि रेट लॉ ने ड्राइव करके दी हमें, राइट, या एक ऐसी इक्वेशन जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट के चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसा असर पड़ेगा। ओके, इस इक्वेशन को हम रेट लॉ के नाम से जानते हैं। ओके, तो आपसे कहता है इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखिए। देखो इस पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स हैं, आते भी हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, देखिए ये कहता है कि रेट लॉ बताइए इस रिएक्शन के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए। ओके, मैकेनिज्म के बाद ही हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, मैकेनिज्म के बाद ही हम रेट लॉ लिख सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों मैकेनिज्म दिया होगा वहां, मैं भी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले स्टेप में CLO नेगेटिव, CLO नेगेटिव एक दूसरे से टकराते हैं, उसे बनता है CLO2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। दूसरे स्टेप में, ये दूसरा स्टेप है इसी रिएक्शन का, दूसरे स्टेप में CLO नेगेटिव और सॉरी CLO O नेगेटिव प्लस CLO2 जो यहां से बना है वो यहां से क्या बनेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl O3 प्लस Cl नेगेटिव, राइट। ये आपके पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सबसे पहले दो ClO नेगेटिव आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, ClO2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव, या आपस में मिलकर ClO3 प्लस Cl नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरमीडिएट क्या है, तो ये इंटरमीडिएट है जो ना रिएक्टेंट में दिख रहा है ना प्रोडक्ट में, ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ClO2 नेगेटिव। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए, इसका रेट लॉ बताइए।
ओके तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि पहले ये क्लियर करें कि इसमें इन दो स्टेप्स में से कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। तो चलो हम ये भी क्लियर कर देते हैं, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप। अगर ये स्लो स्टेप है तो बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दो है। ओके इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप ये डिसाइड करेगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ओके तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दो है, बट हमसे वो मॉलिक्यूलरिटी तो पूछ ही नहीं रहा, ये तो पूछ ही नहीं रहा, वो हमसे पूछता है रेट ला क्या है इसका। ओके तो बच्चों देखिए इसका रेट ला हम कैसे लिखेंगे। हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं सिर्फ स्लो स्टेप को ही दिखा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं यहां से ताकि आपको क्लियरली दिखे, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो इस स्लो स्टेप को देखकर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं, रेट ला लिख सकता हूं, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट कॉन्स्टेंट है, के इंटू जो भी स्लो स्टेप में मॉलिक्यूल्स आयंस इन्वॉल्व हुए हैं उनको लिखेंगे, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सीएलओ नेगेटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सीएलओ नेगेटिव, मतलब इसका ट्वाइस। बच्चों ये हमारा रेट ला हो गया, ये हमारा रेट ला हो गया। रेट ला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू सीएलओ नेगेटिव की पावर टू। ओके ये रेट ला है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है। तो याद रखो बच्चों सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी ही नहीं बल्कि रेट ला भी हमें मिल सकता है सिर्फ स्लो स्टेप को देखकर ही। ओके तो इसका रेट ला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू सीएलओ नेगेटिव की पावर टू। ओके एक और प्रॉब्लम करते हैं ऐसी ही जिसमें हमें रेट ला बताना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखिए, हमें एक रिएक्शन गिवन है और इसका मैकेनिज्म भी गिवन है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकेंड है। ओके जो सेकेंड स्टेप है उसके आगे लिखा हुआ है स्लो, मतलब ये स्लो स्टेप है, और इसके आगे लिखा हुआ है फास्ट, इसका मतलब ये फास्ट स्टेप है। जैसा कि हम जानते हैं स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके आई एम सॉरी। ओके देखिए बच्चों, तो हमें इन दो स्टेप्स की हेल्प से ये बताना है कि इस रिएक्शन का रेट ला क्या है। ओके एक जवाब जो मैं आपसे चाहूंगा जो पूछा नहीं है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी के लिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में स्लो स्टेप देखेंगे, स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं राइट, वो मॉलिक्यूल्स का अमाउंट, वो उन मॉलिक्यूल्स की संख्या, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर ही मॉलिक्यूलरिटी है इस रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दो है क्योंकि स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। डन बच्चों। ओके चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं, हमें रेट ला लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू, अब इसका रेट कॉन्स्टेंट गिवन है इस स्टेप का के वन, तो मैं के वन ही लिखूंगा। ये जो के वन गिवन है ये रेट कॉन्स्टेंट है इस स्टेप का। ओके चलिए के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ थ्री, क्योंकि यहां जो रिएक्टेंट है वही मैं लिखूंगा, इंटू एन राइट। ये मेरा रेट ला हो गया जो कि गलत है, ये मेरा रेट ला तो आ गया पर ये गलत है। अब क्या गलत है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। रेट ला का मतलब इस इक्वेशन में, रेट ला में कभी भी आपको इंटरमीडिएट नहीं छोड़ना। अगर मैं एनओ थ्री की बात करूं तो एनओ थ्री ना रिएक्टेंट में है ना, सॉरी एनओ एनओ की बात करें, I'm sorry बच्चों, एनओ की अगर मैं बात, NO3 की या ये हमारी रिएक्शन, अगर मैं NO3 की बात करूं तो NO3 ना रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है। मेन रिएक्शन इसका जिसका रेट ला आपने लिखा है, ओके इस रेट ला में जो NO3 आ रहा है वो मेन रिएक्शन के ना तो रिएक्टेंट में दिख रहा है ना प्रोडक्ट में। आपको यहां सिर्फ रिएक्टेंट को ही छोड़ना है, यानी NO3 को यहां से हटाना है। ओके अगर NO3 यहां है, अगर इंटरमीडिएट यहां है आपके रेट ला में, इसका मतलब वो गलत है। ओके NO3 को हटाने के लिए उस न्यूमेरिकल में वो जरूर आपके लिए हिंट छोड़ेगा, जैसे उसने हिंट यहां ये छोड़ रखा है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है,
यहां से हम NO3 की वैल्यू निकालेंगे इन अ फॉर्म ऑफ NO एंड O2. लेट्स सी हाउ. K यहां पे अगर ये इक्विलिब्रियम है तो जो ये K है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ओके और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी NO3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू O2. ओके यहां से अगर मैं NO3 की वैल्यू निकालूं बच्चों, अगर मैं यहां से NO3 की वैल्यू निकालूं, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 किसके बराबर आएगा? K इंटू NO साइड चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू O2. यानी NO3 की वैल्यू NO और O2 की फॉर्म में ये आ गई ना, राइट. इसको मैं इस NO3 की वैल्यू को यहां से हटाकर यहां रखता हूं. अब जो रेट ला आएगा, अब जो इक्वेशन आएगी, राइट, वो मेरा सही रेट ला है. ये वो रेट ला है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके सो मैं NO3 की वैल्यू यहां रखता हूं बच्चों, इसको मैं यहीं रख देता हूं, शायद आपको ना दिखे. अगर हम तो यहां से अगर मैं बात करूं तो NO3 को हटाता हूं, NO3 को हटाकर NO3 की वैल्यू जो यहां से इस इक्वेशन से मुझे मिली है उसको रख देता हूं K1 इंटू के NO इंटू O2, राइट. NO दो बार है तो इसको हटाकर यहां स्क्वेयर कर देते हैं. ये बच्चों वो रेट ला है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है. ओके K1 इंटू के, मैं इसको कोई दूसरा कांस्टेंट कर देता हूं जिसको सिर्फ मैं K लिखूंगा. ये वो रेट ला है जो हमसे पूछा है. तो इस इक्वेशन के लिए जो रेट ला होगा वो ये होगा. इस रेट ला को देखकर आप मुझे ये बताइए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है. ओके आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. ना समझ में आए तो प्लीज पूछिए बेझिझक, मैसेज कीजिए,